इसके बाद मैं गुजारिश करता हूँ सीनियर तहसील श्याम अहमद साहब को कि वो हसनैन मसूदी साहब को मुझे पेश करें। इसके बाद मैं दरख्वास्त करता हूँ ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद साहब को कि वो जनाब मुनीर राणा साहब को मुझे पेश करें।
डॉक्टर मसूद चौधरी इन बड़ी शख्सियात में शामिल हैं और वे अपनी अलग पहचान रखें। डॉक्टर मसूद चौधरी की पैदाइश 10 अप्रैल 1944 ना पुंछ जिला का एक ग्राम कालाबंड में हुई। कालाबंड जिला तहसील मेंढर को एक दूरदराज ग्राम है। डॉक्टर मसूद चौधरी ने अपनी इब्तदाई तालीम मेंढर तो हासिल की, बाद में पुंछ कॉलेज MAM कॉलेज तो ग्रेजुएशन मुकम्मल की। अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद वे अलीगढ़ चले गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो उनने 1966 में कानून की डिग्री हासिल की। साल 1967 में डॉक्टर मसूद चौधरी जम्मू कश्मीर पुलिस में बाहैसियत डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस तैनात हुआ। पुलिस में अपनी आला खिदमत अदा करता हुआ वे एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस का ओहदा तक जा पूजा। उनने अपनी खिदमत के दौरान कई मेडल हासिल किया। उनने इस दौरान शेर कश्मीर पुलिस अकेडमी में डायरेक्टर का तौर पर फ्राइज भी अंजाम दिता। शेर कश्मीर पुलिस अकेडमी में उनने पुलिस महकमा की जदीद कारी वास्ते दमाद किया। 2004 में डॉक्टर मसूद चौधरी 37 साल की शानदार खिदमत के बाद पुलिस से सुखदोष हो गया। 2004 में ही डॉक्टर मसूद चौधरी ना बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी वास्ते CEO नामजद किया गया। बाद में उन्ना इस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर का ओहदा पर तैनात किया गया। मसूद ने इस यूनिवर्सिटी ना दूर दराज पहाड़ी इलाका में कायम करके इस खिते ना एक नवी रोशनी दी थी। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को बढ़ना एक फोर्स जी, इस वास्ते फोर्स के साथ उत आबादी नहीं, उत पानी नहीं, उत बिजली नहीं और उत वैर लोका वो रस्तो जी। और सब तो बड़ी कर गया कि पैसों कोई नहीं, हमने यूनिवर्सिटी बनाई और बगैर पैसा तो बनाई और फिर शॉर्टर स्पीरिट में बनाई और जिस अलावा कंपटीशन में आई तो जो पता लगा था कि यह सब तो अच्छी यूनिवर्सिटी है या जम्मू यूनिवर्सिटी या कश्मीर यूनिवर्सिटी का मकाबला। इस यूनिवर्सिटी ना रियासत को एक अहम तालीमी मरकज बनाने में उनने मुंडलो ते बनक तो किरदार अदा किया है। वे 2010 तक इस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा। यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर मसूद चौधरी ने उनकी वाइस चांसलर का ओहदा तो सुखदोषी के बाद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की एजाजी डिग्री ना भी नवाजे है। उनने अपनी पूरी जिंदगी में कई एक बड़ा इदारा कायम किया। इन इदारा में खास तौर पर काबिल जिक्र हैं 1991 में गुजर देश ट्रस्ट को क्याम, शेर कश्मीर पुलिस अकादमी उधमपुर की जदीदकारी को काम अंजाम देना, 1996 में ब्रिगेडियर खुदा बख्श मेमोरियल स्कूल को क्याम, गोजरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ते लाइब्रेरी को क्याम, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को क्याम। डॉक्टर मसूद चौधरी ना अवामी हलका में खासी पजीराई हासिल है और गुजर बकरवाल कबीला में उनने अपना काम वास्ते उच्चो मकाम हासिल किया है। जम्मू रियासत जम्मू कश्मीर की सर्दियों की राजधानी है। यह शहर सर्दियों तो अपनी अलग शनाखत वास्ते मशहूर है। जम्मू में जिन देखने वास्ते कई जगह है उत एक इमारत अपनी खूबसूरती की वजह संग पूरा शहर में मशहूर है। यह इमारत है गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट को सकाफती विरासत को सेंटर। इस इमारत में गुजर देश ट्रस्ट को मरकजी दफ्तर भी है और कई दूजा इदारा कायम है। 1992 में गुजर कौम का एक दानश्वर डॉक्टर मसूद चौधरी की कोशिशों नाल तामीर की गई यह इमारत गुजर तारीख के सकाफत की एक अहम तरीन निशानी है। इस इमारत ना सकाफत की मरकजी वजारत की रियासती हुकूमत की मदद नाल तामीर किया गया है। करोड़ों रुपये की लागत नाल तैयार इस इमारत में इस वेले एक बड़ो ऑडिटोरियम, एक म्यूजियम, एक बड़ी लाइब्रेरी ते दूजा शोबाजार शामिल है। इस इमारत को इफ्तिताह 28 मई ना कांग्रेस की सदर मोहतरमा सोनिया गांधी ने कियो। इस इमारत में गुजर बकरवाल कबीला का लोग अपने वास्ते एक तोहफो समझे। यो सेंटर अपनी बखरली खूबसूरती ते हुस्न वास्ते पूरी दुनिया में जाने जाए। इस इमारत में हर रोज कोई ना कोई तकरीब मुनक्कद होती रहे जिस गुजर बकरवाल कबीला का लोग भारी तादाद में शिरकत करें। गुजर देश ट्रस्ट एक गैर सरकारी ते गैर सियासी तंजीम है। इस तंजीम को मकसद गुजरा मा
आज का इस महफिल का रूह रमा हमारा इस फंक्शन का चीफ गेस्ट हमारा मैडम बाली है और साथ का चीफ मिनिस्टर सारा ने दिलानी धड़कन जिन्होंने सारी दुनिया पहचाने और जाने सारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब मैं तय दिल तो अपील तो एज ए चेयरमैन देश मिनिस्टर और जितना भी मेरा ट्रस्टी हजरात हैं इस ट्रस्ट नाल जिन्हें व्यवस्था नहीं था 197 मेंबर्स जिन्हें हमारा ट्रस्ट बनाया उनकी सारा भी तरफों और जितनी भी अवाम के ताई के जितना भी डिग्निटीज जिहड़ा मेहमानी खसूसी सारा मेरा हमारा वास्ते सारे मेहमानी खसूसी जिहड़ा इत्थे आए हैं उन सारे को हम अपनी तरफों और अपने साथी की तरफों सारा वेलकम करा बाकी भी डाइस पर जिन्ना भी साथी बैठा हुआ है उनको भी अपनी तरफों और साथी की तरफों अब आपके सामने हमारे कायद और रहनुमा हमारे सरपरस्ती आला जनाब डॉक्टर मसूद चौधरी साहब की लाइफ और इनकी खिदमत और इनका कंट्रीब्यूशन के मुतालिक एक डॉक्यूमेंट्री पेश की जाएगी जिसे आप सबको ये अंदाजा हो जाएगा कि मसूद चौधरी साहब ने किस तरह अपनी जिंदगी की शुरुआत की कहाँ कहाँ तालीम हासिल की किस तरह प्रोफेशनल जिंदगी में सिंसियर भी और खलूस से काम بسم الله